और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यशवंत सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं वो बीजेपी में जा सकते हैं। और बड़ी खबर यह है कि इस विधान परिषद की खाली हुई सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ उमेश पाठक एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ चुके हैं। उमेश, विधान परिषद की सीट से चुनकर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल, इस तरह से दावा पेश किया जा रहा है यशवंत सिंह की तरफ से, जो कि मऊ के रहने वाले हैं, एमएलसी हैं, वो आज समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि उनकी सीट से अगर योगी आदित्यनाथ लड़ना चाहे तो उनके लिए बेहतर बात होगी, और इसी प्रस्ताव के साथ वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दूसरा चीज और भी है कि मधुकर जेटली एक सपा के एमएलसी और हैं जो कि सीट छोड़ना चाहते हैं। दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए तो आज कुछ ही देर बाद अभी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही यशवंत सिंह जो एमएलसी है मऊ के, और इसके अलावा मधुकर जेटली जो एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, दोनों अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश पाठक ये ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सांसद हैं गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री चुनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर किसी विधानसभा से या विधान परिषद से चुनकर आना होता है, उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद की खाली हुई सीट से चुनकर आ सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।